थर्ड नंबर में क्या है, ए बी सी एंड बी डी बी सी आर टू आइसोसेलिस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, मतलब इसी बेस के ऊपर यहाँ पे एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है और नीचे भी एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। तो गिवन क्या है, ए बी, एक्चुअली बोला गया कि ये आइसोसेलिस ट्राइंगल गिवन है, तो हम लोग बस उससे जो हमें काम आएगा वो लेंगे। तो क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है, क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है। एंड और क्या गिवन है, ये वाला भी आइसोसेलिस है, मतलब इक्वल्स टू डी सी। टू प्रूव, सी टू प्रूव क्या करना है, ए बी डी इक्वल्स टू ए सी डी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। अभी प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्यों, क्यों मैंने लिखा है आइसोसेलिस है इसलिए, ठीक है ना, और गिवन भी लिख सकते हो। अच्छा, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, ए सी बी इक्वल्स टू ए बी सी लिख सकते हैं, कोई डाउट है। इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। अगेन ये वाला मैंने दिखाया, देखो कलर दिखाता हूँ, एक मिनट, दिस टू एंगल्स आर इक्वल मैंने लिखा है अभी ये वाला। अब चलो और एक कलर लेके ये दोनों दिखाएंगे। अगेन इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल में देखो ये दो साइड इक्वल है ना, तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। बी सी डी में क्या है बोलो, मैंने जो लिखा है वही लिखेंगे, बी डी इक्वल्स टू डी सी है ना, बी डी इक्वल्स टू डी सी, तो बी डी की ऑपोजिट एंगल क्या है, ये वाला एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी। यहाँ तक कोई डाउट है, क्योंकि आइसोसेलिस ट्राइंगल में क्या होता है, और जो इक्वल साइड होता है उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसीलिए मैंने ये दोनों लिख सका। तो यहाँ पे लिख देना अपने, ट्राइंगल इक्वल साइड्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और यहाँ पे भी वही लिखना है। नाउ वन प्लस टू वी गेट, क्या होगा, वन प्लस टू, देखो लेफ्ट साइड में जो है लेफ्ट साइड को ऐड करना है, मतलब यहाँ पे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे कौन है, ये इक्वल साइन, देखो बीच में इक्वल है, अभी वन एंड टू को ऐड कर रहा हूँ ना, तो लेफ्ट में जो जो एंगल है उनको ऐड करेंगे और राइट में जो जो है उनको ऐड करेंगे। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो उसको कलम में लिख दो और फिर उसको ऐड कर दो। ओके, पहले इसको करता हूँ फिर दिखा देता हूँ पास में भी। एंगल ए सी बी प्लस, और टू नंबर इक्वेशन में लेफ्ट में कौन है, ये वाला एंगल डी सी बी हो गया। अब तो ये राइट साइड में इक्वल के राइट साइड में ए बी सी है, और यहाँ पे इक्वल के राइट साइड में डी बी सी है। देखो अगर समझ में नहीं आया तो इसको और एक तरीके से दिखा देता हूँ, इसको लिखो ए सी बी इक्वल्स टू ए बी सी हो गया। नीचे लिखो डी सी बी इक्वल्स टू ई बी सी, फिर ऐसे इसको ऐड करो, तो ये क्या होगा, ए सी बी प्लस डी सी बी इक्वल्स टू, इस साइड में भी तो ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड मतलब इधर भी ऐड करना है, तो ए बी सी प्लस डी बी सी, ये भी कर सकते हो, अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हो तुम लोग। अब बताओ ध्यान से सुनना, ए सी बी, ए सी बी यहाँ तक, फिर से डी सी बी, डी सी बी मतलब यहाँ तक, तो मिला के क्या हो रहा है, इनको ऐड करोगे तो टोटल एंगल बन रहा है ना, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा एंगल ए सी डी। लेफ्ट साइड में कोई डाउट है तो बताओ मुझे। अभी राइट साइड में देखो ए बी सी, ए बी सी मतलब यहाँ तक आया मैं, अभी डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी मतलब यहाँ तक, तो मिला के क्या बन रहा है, पूरा एंगल है ना, तो इन दोनों को ऐड करके तो हम लिख सकेंगे ए बी डी। देखो वही तो प्रूफ करने के लिए दिया गया था, देयरफॉर इसको उसी तरह से लिखो जैसे प्रूफ करने के लिए दिया गया था कि ए बी डी इक्वल्स टू ए सी डी। इस तरह से प्रूफ करोगे तो कोई भी कंस्ट्रक्शन तुम्हें नहीं करना पड़ेगा।